पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार। पार्टी की निमंत्रण पे आप लोगों से एक मिलने का, नमस्कार करने का अवसर आप लोगों ने दिया। मैं बहुत दिनों के बाद जयपुर आ रहा हूं। मित्रों, आने वाले 50 दिन के बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी किसी भी समय में जो पुराने दिनों की शेड्यूल को अगर हम थोड़ा याद करते हैं, दिसंबर की फर्स्ट वीक में राजस्थान की प्रदेश की चुनाव हो जाता है और आज अगर मैं 8 अक्टूबर में आप लोगों से मिल रहा हूं, कभी भी चुनाव आने वाले दिनों में औपचारिक रूप में घोषित हो जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। राजस्थान की राजनीति को मैं दूर से भी थोड़ा एक राजनीतिक शास्त्र की विद्यार्थी के नाते देख भी रहा हूं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते नहीं, राजस्थान को पिछले कई सालों से राजनीतिक विश्लेषण करते हुए मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, जब भी चुनाव की नतीजे आएंगे, राजस्थान की जनता जो अभी मन बना चुका है उसकी प्रतिफलन होगा। मैं जो 2018 में कई प्रकार की वायदे करके कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की शासन में दायित्व लिया था, आज उनके पास बहुमत होने के बावजूद एक अस्थिर, अनिर्णय, भ्रष्ट और दिशाहीन सरकार को दे पाए। बहुत वर्णन ना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की जो रिपोर्टिंग को अगर मैं कई दिनों से पढ़ के एक समरी बनाते हैं, राजस्थान आज महिला उत्पीड़न में देश की सभी राज्यों को टप चुका है। 32,000 से अधिक बलात्कार पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान में हुई। राजस्थान महिला सशक्तिकरण की, महिला मर्यादा की, महिला अस्मिता की परंपरागत रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में, मंत्री विधायकों की साथ, सत्ताधारी मंत्री विधायक की पुत्र तक इस कांड में शामिल होते हैं, तो शासन में बैठे हुए नेतृत्व की कोई नैतिकता नहीं रहती है। प्रजा को, लोगों को कोई दिलासा देने और उसमें विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की, एससी समाज की उत्पीड़न, एसटी समाज की उत्पीड़न, इन दिनों में जो आप लोगों ने खबरें छपी हैं, इसमें राजस्थान की हालत को बताती है। मैं घटनाओं की आप ही से मैं पढ़ा हूं, मैं घटना की वर्णन में नहीं जाता हूं, मैं चिंता प्रकट करता हूं राजस्थान की समाज जीवन में इस प्रकार के शर्मसार कारनामे के कारण। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन, विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, यह भी
अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने आई है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये सब विषय है, प्रदेश की नौजवानों की भविष्य को दिशाहीनता की ओर ले जाने वाला ये सब कांड है। 19-19 बार अगर होता है, यानी हर एक क्वार्टर में एक बार ऐसी घटना आती है, वो सब इसमें गरीब बच्चों की कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को सबसे चोट पहुंचती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्थान भ्रष्टाचार में एक नंबर है। आज देश भर में राजस्थान की नाम लाल डायरी के कारण बदनाम हुई है। किसानों की हालत राजस्थान में सबसे खराब है। 2018 में सत्ता में आने के बाद संपूर्ण कर्जा माफ करने की झूठी घोषणा की गई थी, आश्वासना दी गई थी, लेकिन पिछले 5 साल में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन को नीलामी की नोटिस गई। ये तथ्य आप ही से मैं उठा रहा हूं। हमारी देश आज बिजली में स्वयं संपूर्ण है, पावर सरप्लस देश है हमारी, लेकिन हमें जानकारी मिली राजस्थान की अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई में कोई ठिकाना नहीं है, और जब भी हो रहा है महंगा है, महंगी बिजली और बिजली काट। इसके कारण समाज की सभी वर्गों को, विशेष करके गरीब, उनकी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, किसान, उद्योग, विशेष करके राजस्थान जिस MSME के कारण घरेलू और कुटीर उद्योग और लघु और सूक्ष्म उद्योग के कारण राजस्थान की एक छवि है, बिजली एक रॉ मेटेरियल करके वहां यूज होती है, बिजली की संकट आज एक प्रसंग बनी हुई। तुष्टिकरण के सारे पैरामीटर्स, वोट के लिए तुष्टिकरण के सारे पैरामीटर गहलोत साहब की सरकार ने क्रॉस किया। मित्रों, राजस्थान में मैंने जैसे शुरू में कहा, एक बहुमत पाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी झगड़े के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण आज गहलोत साहब खुद एक देश की भ्रष्ट शासन की मुख्यमंत्री बनके, लंबे समय के अनुभव था, राजस्थान के लोगों ने उनको भरोसा करके वोट दिया था, लेकिन अगर आज समाज में सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी ने निराशा किया, किसी ने राजस्थान की नई पीढ़ी को गुमराह किया, तो उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, प्रदेश की अभी के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के नाते, प्रदेश की प्रमुख विपक्ष के नाते, और राजस्थान में तो हमारी जनाधार की एक हिमालय की आकार है। मैं आज आया था सुबह जयपुर संभाग की एक संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए, 50 विधानसभाओं की हम लोगों ने आज विशेष योजना बनाई है, और हम मानते हैं इस जयपुर की संभाग की 50 विधानसभा एक प्रकार से प्रदेश की राजनीतिक वातावरण का एजेंडा सेट करता है। मैं जिस प्रकार की उत्साह, जिस प्रकार की जनता की फीडबैक,
का एक रिव्यू किया, एक प्रकार से समीक्षा किया, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 2013 से एक बड़ा मैंडेट दो कारण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक दूरदृष्टि संपन्न सरकार, एक सेवा की योजना और राजस्थान की लक्ष्यावधि कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है। दूसरी ओर गहलोत साहब के नेतृत्व में एक भ्रष्ट सरकार को कितना जल्दी सत्ता से हटाया जाए, प्रदेश की जनता उसके लिए मन बनाया है। मैं इस यज्ञ में यहाँ की मीडिया का भी कोऑपरेशन चाहता हूँ, आप ही की भूमिका से ये माहौल बनी है।